जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों बात करने वाले सीटेट के बारे में बात करेंगे। सीटेट का जो आपका अगला एग्जाम है वो कब होगा, 2020 के अंदर होगा, 2019 के अंदर होगा, पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर प्राप्त करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले सभी लेटेस्ट खबरों की जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। जी हाँ दोस्तों, पूरी जानकारी आपको देंगे। तो दोस्तों सीटेट का जो एग्ज़ाम है, आपको पता है हाल ही में 7 जुलाई को इसका एग्ज़ाम हुआ था और इसमें 2 पेपर होते हैं, आपको बता देना चाहूँगा। फर्स्ट पेपर उनके लिए होते हैं जो 1 से 5 के अध्यापक बनना चाहते हैं और सेकंड पेपर उनके लिए होता है जो 6 से 8 के अध्यापक बनना चाहते हैं। तो फर्स्ट पेपर कौन दे सकता है, जिन्होंने DLED कर रखी है। लेकिन इस बार क्या हुआ, जो BEd वाले कैंडिडेट है वो भी फर्स्ट पेपर दे सकते हैं, लेकिन सेकेंड पेपर की बात करें तो यहाँ पर सेकेंड पेपर जिन्होंने BEd कर रखा है वो सेकेंड पेपर दे सकते हैं। तो आपका जो सीटेट का एग्ज़ाम है वो अभी जनवरी के अंदर होने के चांसेस पूरे बने हुए हैं, 2020 के अंदर जनवरी में आपके जो सीटेट का एग्ज़ाम है वो होने के चांसेस हैं। तो पूरे वीडियो को देखते रहिए साथियों। आज हम जिस एप्लीकेशन के बारे में आपको बताएंगे इसका नाम है jupi.com और इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां से फाइनली डाउनलोड कीजिए, उसके बाद साइन अप कीजिए। सिंपल सा फॉर्मूला है और उसके बाद आप क्या कीजिए कि अपना जो प्रोफाइल है उसे कंप्लीट कीजिए और आप यहाँ पर जो अर्न है और रेफर एंड अर्न उसमें आप रिडीम कीजिए। रिडीम यहाँ पर डालिए क्या, Paytm 12, और 12 डालने के बाद कोड है, ये कोड डालने के बाद सक्सेसफुल होगा। उसके बाद यहाँ पर फिर से 3 डॉट पर क्लिक कर माय वॉलेट पर क्लिक कीजिए और यहां पे आपको ऐड मनी पर क्लिक करना है। 10 रुपए ऐड करना है अपने पेटीएम से या आप कहीं से ऐड करेंगे। यहां पर आपको ध्यान देना है कि win10 यहां पर आप कोड लगाएं और कोड लगाने के बाद win10 कोड लगाने के बाद अप्लाई करें और प्रोसेस करें और हम फाइनली यहां पर पेटीएम से या अमेजोन पे से या फोन पे से या नेट बैंकिंग से हम यहां पर पे करेंगे, पैड करेंगे इसको 10 रुपये। तो चलिए हम इस एप्लीकेशन को 10 रुपये पैड करते हैं। तो हम यहां पर पेटीएम से पैड करेंगे, तो पेटीएम से हम पैड कर दिए। उसके बाद यहां पर बात आती है कि जैसे ही 10 रुपये पैड करेंगे आपको 10 रुपये का बोनस मिल जाएगा, यानी कि आपके पास अब 25 रुपये हो गए दोस्तों। उसके बाद अब आप 25 रुपये का यहां पर कोई यहां पर जो क्विज आता है, कोई यहाँ पे गेमिंग आती है, इसके मदद से आप भी जीत सकते हैं काफी सारे रुपए, जैसे कि हम यहाँ पर आपको कंटिन्यू कर दिखाते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये जो मैच चल रही है, इस मैच पे हम यहाँ पे क्लिक किए और क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्लिक करने के बाद ऊपर आपको सिलेक्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ना कि टिकट का। टिकट के ऊपर सिलेक्ट का ऑप्शन है, उस पर आपको क्लिक करना है और रजिस्टर्ड कर सक्सेसफुल हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है कि उसके बाद आपको सिंपल सा उसमें बैक आ जाना है और जो भी गेमिंग आपको अच्छी लगती है उसे आप सेलेक्ट कर लीजिए। अब बात आती है कि आप इस 25 रुपये को अपने पेटीएम वॉलेट में कैसे ट्रांसफर कर पाएंगे। तो यहां पर 25 रुपये आपके पास हैं, तो आप कैसे इसे ट्रांसफर करेंगे उसके लिए आपको सिंपल सा क्या करना है कि यहां पर आपको 25 रुपये लिख लेना है आसानी से और 25 रुपये लिखकर आपको अपने पेटीएम वॉलेट में भेज लेना है। तो यहाँ पर सक्सेसफुल विड्रॉ हो गया और अब हम चलते हैं पेटीएम वॉलेट में, पेटीएम एप्लीकेशन को खोलते हैं और वहाँ पे देखते हैं कि हमें 25 रुपये मिले या नहीं मिले। तो यहाँ से तो कट चुके हैं 25 रुपये, अब हम यहाँ पे देखिए यहाँ पे सक्सेसफुल विड्रॉ हो चुका है दोस्तों। तो इस एप्लीकेशन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा डाउनलोड करने के लिए, आप जाकर डाउनलोड कीजिए और आप अच्छे तरीके से अर्न कीजिए। बहुत सिंपल सा एप्लीकेशन है, आपको यूज करने में बहुत ही मजा लगेगा, तो जाइए दोस्तों। तो इसमें आप देख सकते हो फीस भी दी हुई है, आप कितनी फीस में जनरल और OBC कैंडिडेट है। अगर आप एक पेपर के लिए अप्लाई करते हो तो 700 रुपये और दोनों के लिए, बोथ पेपर के लिए अप्लाई करते हो 1200 रुपये, SC ST के लिए यहाँ पे 350 और दोनों पेपर के लिए 600 रुपये रखे गए हैं। तो इस प्रकार से आप इसमें आवेदन कर सकते हो। तो जल्दी आपकी ये जो नोटिफिकेशन है सीटेट की आने वाली है और जनवरी तक आपका एग्ज़ाम हो सकता है। और आप देख लीजिए पेपर फर्स्ट अब की बार हुआ था 9:30 से 12 बजे के बीच और पेपर सेकेंड 2 से 4:30 के बीच में होता है। पास होने के लिए आपको बता देना चाहूँगा, पास होने के लिए आपको अगर आप जनरल से हो तो आपको 60% नंबर, 150 नंबर का आपका पूरा पेपर होता है, 90 नंबर आपको इसमें से लाने पड़ते हैं। और अगर आप SC ST OBC से हो तो आपको 82 नंबर यानी 55% अगर आपके नंबर हैं तो भी आप क्वालिफाई माने जाओगे। तो इस प्रकार से 82 ही नंबर लाने पड़ते हैं।
और जनवरी तक आपके एग्जाम होने के चांसेस हैं। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करें, शेयर करें और पूरा स्टडी मटेरियल प्राप्त कर सकते हो सीटेट का बिल्कुल फ्री में। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। जय हिंद, वंदे मातरम।